नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। आई होप सेफ हैं और वैक्सीनेटेड हैं। आज बात करेंगे तीन ऐसी बातों की जो एक दूसरे से बहुत संबंधित हैं और आपके जीवन में बहुत सारे चेंज ला सकते हैं, सिर्फ डेंटल प्रैक्टिस से रिलेटेड नहीं या मेडिकल प्रैक्टिस से रिलेटेड नहीं, पूरी तरह। तो बात करते हैं सबसे पहले एक ऐसे स्टेटमेंट की जो बहुत आपने सुनी होगी। स्टेटमेंट ये कि लुक्स डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज व्हाट कैन यू डू परसिस्टेंटली एंड कंसिस्टेंटली। दैट मीन्स आप कैसे दिखते हैं इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ का पड़ता है कि आप क्या चीज़ लगातार कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। इस स्टेटमेंट में सत्य असत्य दोनों हैं। सत्य ये है कि बिल्कुल ये मैटर करता है कि आप लगातार लाइफ में किस चीज़ को कर सकते हैं। असत्य ये है कि लुक्स डजंट मैटर, आप कैसे दिखते हैं ये मैटर नहीं करता। अब इसको एक डेंटल प्रैक्टिस के एस्पेक्ट में समझते हैं। समझ लीजिए आपके पास पेशेंट है, वेटिंग एरिया में बैठा, आपके रिसेप्शनिस्ट ने उनको ग्रीट किया, आपके असिस्टेंट ने उनसे पानी पूछा, स्माइल करके किया या नहीं स्माइल करके किया ये भी मैटर करता है, उनको ट्रेन कीजिए इस चीज़ के लिए, राइट। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद पेशेंट आपके पास आएगा। बड़ी अच्छी डेंटल प्रैक्टिस में देखा गया, जिनके टीम मेम्बर्स भी बड़े हैं, बहुत ज़्यादा हैं, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू पेशेंट से, दैट आई एम डॉक्टर सागर एंड आई विल बी योर डॉक्टर फॉर टुडे, राइट। इसके बाद क्या होता है, पेशेंट सबसे पहले आपके, या पेशेंट ही नहीं, ज़िंदगी में कोई भी आपको मिलेगा सबसे पहले आपको देखता है। वो देखता है कि आपके पास क्या व्यक्तित्व है, क्या पर्सनैलिटी है, आपके बाल कैसे कटे हुए हैं, आपका आपका हाइजीन कैसा है। मैं महंगे कपड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साफ़ कपड़ों की बात कर रहा हूँ, आयरन कपड़ों की बात कर रहा हूँ। मैं पर्सनैलिटी से स्किन कलर की बात नहीं कर रहा हूँ, या रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, या मोटे या पतले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि आप कितने अच्छे से अपने आप को कैरी करते हैं, राइट। इनफैक्ट ये तक मैटर करता है, हाउ डू यू स्मेल, आपसे यू नो पसीने की बदबू तो नहीं आ रही है, आपसे यू नो हेलिटोसिस तो नहीं हो रहा। और ये सिर्फ आपके नहीं, आपके हर टीम मेंबर के लिए मैटर करता है। आपके बाहर रिसेप्शनिस्ट से लेके असिस्टेंट से लेके आपका कंसल्टेंट आ रहा है, आपका टीम मेंबर है जो असिस्टेंट को साइड में सक्शन लेके खड़ा होना है, उससे एल्टोसिस तो नहीं हो रहा है या पसीने की बदबू तो नहीं आ रही है, उसका शर्ट का बटन तो नहीं खुला हुआ है, सो मैनी थिंग्स मैटर्स, राइट। तो सबसे पहले आप और आपकी टीम को पेशेंट देखेगा, तो सबसे पहली चीज़ क्या मैटर करती है, दैट हाउ डू यू लुक, व्हाट इज़ योर पर्सनैलिटी लाइक, राइट, फर्स्ट थिंग। अब सेकेंड थिंग पे आते हैं, सेकेंड थिंग क्या आ जाती है, सेकेंड थिंग आ जाती है कि आप बोलते क्या हैं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दीजिए। कैसे ध्यान देंगे, ये नहीं कि बात करते करते आ जाएगा, नहीं, आपको उनसे सीखना पड़ेगा जो आपसे बेहतर जानते हैं। वो आपके सीनियर्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, बुक्स सबसे बेस्ट सोर्स है, सबसे बेस्ट सोर्स, राइट। और उसको सीखने के बाद अपने टीम मेंबर्स को सिखाइए, अपने रिसेप्शनिस्ट को सिखाइए कि आपको क्या बोलना है, क्योंकि आजकल लोग फ़ोन पे भी बात करना चाहते हैं और फ़ोन पे भी काफ़ी बातें जानना चाहते हैं। कितनी बात बताई जाती है मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में, कितनी नहीं बताई जाती है, उन्हीं की सेफ्टी के लिए, किसी चीज़ को छुपाने के लिए नहीं। और कितनी बात बोली जाती है, कितनी नहीं बोली जाती है, गारंटी वर्ड यूज़ नहीं होता है मेडिकल टर्म में, बहुत सारी चीज़ें आप ट्रेन कर सकते हैं अपने असिस्टेंट्स को बोलने के लिए, खुद बोलने के लिए, अपने पार्टनर्स को बोलने के लिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो पहली चीज़ पर्सनैलिटी, सेकेंड थिंग आप बोलते क्या है, और थर्ड थिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि जो आपने बोला क्या आपने उसको पूरी तरीके से एग्जीक्यूट किया, पूरी तरीके से रेसिप्रोकेट किया। क्योंकि कई बार हम कई चीज़ ऐसे बोल जाते हैं कि हम आपको ट्रीटमेंट कराइए, पेन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, और कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ हम ठीक से पकड़ नहीं पा रहे, हम ठीक से इसको ठीक नहीं कर पा रहे। तो वहाँ आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आपके मुंह से जो निकला था वो ठीक तरीके से एग्जीक्यूट हो, चाहे उसके लिए आपको कंसल्टेंट बुलाना पड़े, अपनी जेब से पैसा पे करना पड़े। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि पेशेंट आपके पास से ठीक हो, कि चाहे आपने जो बोला वो एग्जीक्यूट हो, राइट। क्योंकि जादूगर नहीं है आप, हर पेशेंट को सेटिस्फाई भी नहीं कर सकते, हर ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ गलतियाँ होंगी, इसलिए तो इसका नाम प्रैक्टिस है। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रैक्टिस में भी वो गलती आपसे ठीक नहीं हो रही तो कोई और ठीक कर सकता है, इस बात का ध्यान रखें। इस ईगो में ना रहें कि मैं ही ठीक करूँगा, वरना नहीं ठीक करूँगा, वरना कुछ नहीं हो सकता, बाहर से किसी को नहीं बुलाऊँगा। हीरोडोंटिक्स ना करें, जहाँ तक आपका एस्पेक्ट है उसको करें, और बाकी चीज़ें सीखें, सीखते सीखते आगे करें, जो कंसल्टेंट आ रहा है उनसे सीखें, कोर्सेज करें, जैसे मर्जी करें, MDS करें, जैसे भी आपको लगता है आपका स्किल एनहेंसमेंट हो सकता है,
कीजिए। आई होप ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी, राइट, एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन योर डेंटल प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग गाइज, एंड वी हैव अपलोडेड यू नो फ्यू वीडियोज ऑफ वाइज डेंटिस्ट, दैट इज़ डॉक्टर रवि पांडे, उनका आप इंस्टाग्राम चैनल भी देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल अमेजिंग। उन्होंने डॉक्टर मनीष चितनेस का बहुत लोगों का इंटरव्यू लिया, हाल ही में हमारी कन्वर्सेशन भी हुई और हमने पार्ट वन डाला है अभी, क्योंकि हमारी इतनी डीप कन्वर्सेशन हुई जिसमें हमने हर चीज़ डिस्कस करी अबाउट डेंटिस्ट्री, अपने व्यूज़ रखे और हम ये करते रहेंगे। और उसमें पार्ट वन आ चुका है, पार्ट टू आने वाला है, तो दो दो घंटे की कन्वर्सेशन है जिसमें हमने डेंटल स्टूडेंट से लेके डेंटिस्ट्री से लेके फ्यूचर से लेके एथिक्स से लेके सब बातें की हैं। तो यू कैन लुक अप टू दैट, इट इज़ ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो, द ट्रेलर इज़ देयर, फ्रॉम देयर यू कैन हैव द लिंक ऑफ द वाइज डेंटिस्ट, राइट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ वंडरफुल 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 प्रैक्टिस, थैंक यू।